हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरोद भारद्वाज ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, हमने बस्तर ज़िला पढ़ना स्टार्ट किया था। अब आज पढ़ते हैं बस्तर ज़िला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दंतेवाड़ा ज़िला। ओके, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत दंतेवाड़ा ज़िला पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं दंतेवाड़ा ज़िला के बारे में कुछ बातें। ओके, तो सबसे पहले दंतेवाड़ा ज़िला, तो जो दंतेवाड़ा ज़िला की स्थापना हुई थी तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया होगा, जब मैंने बस्तर पढ़ाया था तो उसमें बताया हूँ कि जब पहले बस्तर में एक ज़िला था, फिर उसको 1998 में उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा को 1998 में बनाया गया। ओके, तो इस प्रकार दंतेवाड़ा जो ज़िला है उसकी स्थापना कब हुई, 1998 में। और इसको किससे अलग करके बनाया गया था, तो बस्तर ज़िला से अलग करके दंतेवाड़ा ज़िला को बनाया गया था। इस प्रकार दंतेवाड़ा जो ज़िला का मातृ ज़िला हो जाता है हमारा बस्तर। ओके, चलिए अब देखते हैं जो दंतेवाड़ा ज़िला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के और कौन कौन से ज़िले को टच करती है। तो दंतेवाड़ा जो ज़िला है उसको देखें तो इस साइड है बीजापुर, ये हो गया बीजापुर, इधर बस्तर, और नीचे साइड में है आपका सुकमा। ओके, इस प्रकार जो दंतेवाड़ा हमारा ज़िला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तीन ज़िले को टच करती है, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। ओके, और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जो दंतेवाड़ा है वो एक भू आवेष्टित ज़िला है। ओके, तो दंतेवाड़ा जो ज़िला है वो क्या है, एक भू आवेष्टित ज़िला है। अब भू आवेष्टित ज़िला किसको बोलते हैं, तो ऐसा जो हमारा ज़िला है जो हमारे ही राज्य के ज़िले से के अंतर्गत, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूमि है ठीक है उसी से घिरा हुआ है। ओके, इसलिए इसको भू आवेष्टित ज़िला कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सुकमा है वो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसलिए इसको भू आवेष्टित ज़िला नहीं कहते क्योंकि ये दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दंतेवाड़ा जो ज़िला है हमारा वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ज़िले के अंतर्गत से ही घिरा हुआ है। ओके, किसी भी राज्य को टच नहीं करती। इस प्रकार जो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के नौ भू आवेष्टित ज़िला है उनमें से एक भू आवेष्टित ज़िला है दंतेवाड़ा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि दंतेवाड़ा ज़िला में क्या क्या है। ओके, तो चलिए चलते हैं दंतेवाड़ा ज़िला। दंतेवाड़ा ज़िला, जैसा कि मैंने आपको बस्तर ज़िला पढ़ाया था तो वहाँ जगदलपुर पढ़ाया था, तो जब इसमें दंतेवाड़ा में दो नेशनल हाईवे हैं। ओके, तो पहला जो नेशनल हाईवे है जो NH 63, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि NH 63 ये कहाँ से, जगदलपुर बस्तर से आती है, फिर गीदम से होते हुए ये भैरमगढ़ जो कि बीजापुर को चली जाती है। ओके, तो इस प्रकार जो नेशनल हाईवे 63 है वो जगदलपुर से आती है और गीदम होते हुए ये भैरमगढ़ बीजापुर को चली जाती है। ओके, फिर एक नेशनल हाईवे है जो कि गीदम से दंतेवाड़ा को बनाया गया है, जो कि नेशनल हाईवे 163A है ठीक है। तो इसको क्या है, दंतेवाड़ा ज़िला को जोड़ने के लिए गीदम से दंतेवाड़ा ज़िला के बीच एक नेशनल हाईवे बनाया गया जिसका नाम नेशनल हाईवे 163A है। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे इस बात का है कि जो नेशनल हाईवे 163A है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ओके, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 163A, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर की आसपास है। ओके, अब चलते हैं, चलिए स्टेट हाईवे 5, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया होगा स्टेट हाईवे 5। ओके, तो जो स्टेट हाईवे 5 है वो सबसे पहले आती है बारसूर। ओके, बारसूर आती है, फिर उसके बाद गीदम ठीक, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा,
दंतेवाड़ा से ये बैलाडीला और बैलाडीला से होते हुए ये सुकमा को चली जाती है। ओके, इस प्रकार जो स्टेट हाईवे 5 है वो कहाँ जाती है, बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, फिर उसके बाद सुकमा को चली जाती है। ओके, अब देखते हैं बारसूर। तो बारसूर, ओके, तो जो बारसूर है वहाँ यह जो है इंद्रावती नदी के तट पर है। ओके, ये जो नदी देख रहे हैं आप ये वाला, तो ये कौन सा है, इंद्रावती नदी। ये कहाँ से, बस्तर से आती है और बीजापुर को चली जाती है। ओके, और इंद्रावती नदी के बारे में आपको और डिटेल जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बारसूर ये कहाँ है, तो ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर मामा, जो बारसूर है वहाँ मामा भांजा मंदिर है। ओके, एक बत्तीसा मंदिर है और एक गणेश, बड़ा गणेश का मूर्ति है। ओके ओके, तो यहाँ जो दर्शनीय स्थल में देखें अगर बारसूर में, तो एक मामा भांजा का मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है, बड़ा गणेश का मंदिर है और एक चंद्रादित्य का मंदिर है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं गीदम। तो जो गीदम है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जो नक्सलवाद का जन्म हुआ है या शुरुआत हुआ है जो, तो नक्सलवाद की शुरुआत हमारे यहाँ गीदम से ही माना जाता है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं दंतेवाड़ा। तो जो दंतेवाड़ा है वो हमारे यहाँ का जिला मुख्यालय है। ओके, फिर ये जो दंतेवाड़ा है ये जो है डंकनी, ये वाला जो नदी है ये डंकनी नदी है। ओके, ये वाला डंकनी नदी है, ये संखनी नदी है। तो इन दोनों के संगम पर ही दंतेवाड़ा जो जिला है वो स्थित है। ओके गाइस, तो जो दंतेवाड़ा जिला है वो डंकनी और संखनी नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ क्या है, दंतेश्वरी माता का मंदिर भी है। ओके, फिर चलते हैं आपका बैलाडीला। तो ये जो है ये पूरा बैलाडीला का पहाड़ी है, ये वाला पूरा क्या है, बैलाडीला का पहाड़ी है। अब इसके अंतर्गत बैलाडीला में ही एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नंदीराज। ओके, नंदीराज चोटी, जिसका ऊंचाई का लगभग 1210 मीटर है। ओके, और जो नंदीराज ये चोटी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज, और दक्षिण छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। जो पहला छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे पहला ऊंचा चोटी है वो गौरलाटा है, जो कि 1225 मीटर है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ओके, तो नंदीराज जो है वो 1210 मीटर में है। ओके, और छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ की पहली ऊंची चोटी है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो जो बैलाडीला है यहाँ तीन खाने हैं, तीन खदान हैं, मतलब कि लोहा उत्पादन के लिए। और ये बैलाडीला जो है वो लौह उत्पादक क्षेत्र में सर्वोत्तम किस्म का लौह उत्पादक क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ पे NMDC, तो जो कोई भी खनिज निकलता है तो उसका जो खनन करते हैं तो वो कौन है, तो NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, तो NMDC का यहाँ तीन खाने हैं। ओके, सबसे पहले ये यहाँ पे है किरंदुल, ये जो है किरंदुल। ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ओके, और फिर उसके बाद आया बचेली, तो ये दूसरा NMDC का दूसरा प्लांट है जो कि 1980 में बनाया गया था। फिर उसके बाद अभी है 1988 में ये बैलाडीला चल रहा है। ओके, इस प्रकार NMDC के द्वारा तीन प्लांट स्थापित किया गया है, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। ओके, और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये बता दूँ कि जो बैलाडीला है, ये जो बैलाडीला है यहाँ से जो लोहा है उसका निर्यात किया जाता है जापान को। ओके, 100 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो इसके तहत वहाँ जापान को लोहे की आपूर्ति की जाती है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं नदी में, तो एक नदी है इधर डंकनी, इस नदी को बोलते हैं डंकनी नदी, जिसका उद्गम है डांगरी क्षेत्र। ओके, उसके बाद है ये है संखनी नदी, ये कौन सी नदी है, संखनी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये नंदीराज की चोटी से, ये जो नंदीराज चोटी है ना यहाँ से इसका उद्गम होता है। ओके, और ये दोनों जो है इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है यहाँ पर।
ओके, फिर उसके बाद आते हैं, तो इसमें एक यहाँ पे है टेकनार। ओके गाइस, तो ये जो टेकनार है वो दंतेवाड़ा जिला का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। ओके, फिर आते हैं तो कटे कल्याण। यहाँ पे कटे कल्याण है, यहाँ का है टीन पाया जाता है। ओके, और एक ये जो है कुआ कोंडा, बस आप इस नाम को याद रखें कि यहाँ पे कुआ कोंडा है। ओके, अब जो डंकनी नदी है वहाँ पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है सूरतगढ़ जलप्रपात। ओके, दंतेवाड़ा जिला से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बारसूर। ओके, बारसूर कहाँ पे है, तो ये स्टेट हाईवे 5 में इंद्रावती नदी के तट पर है। ओके, तो ये जो है बारसूर जो है छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी है। ओके, छिंदक नागवंशी शासक थे, उनकी राजधानी है। तो पहले हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शासकों ने राज्य शासन किए थे, तो उसमें से एक जो थे छिंदक नागवंशी शासक थे, उन्होंने हमारे बारसूर को राजधानी बनाया था और यहीं शासन किया करते थे। ओके, बारसूर जो है इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। ओके, और यहाँ दर्शनीय स्थलों में मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और बड़ा गणेश की प्रतिमा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मामा भांजा मंदिर, बड़ा गणेश और बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर है, जो छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था। ओके, उसके बाद आते हैं गीदम। तो ये आपको बताया मैंने नेशनल हाईवे 5 पे या नेशनल हाईवे 63 में गीदम। तो ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जन्म कहाँ से हुआ है, तो गीदम से ही हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा क्या है, तो दंतेवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय है दंतेवाड़ा। ओके, फिर दंतेवाड़ा जिला को अन्नमदेव जो कि एक काकतीय शासक थे। ओके, तो काकतीय शासक अन्नमदेव के द्वारा बसाया गया शहर है। ओके, तो दंतेवाड़ा जिला को हमारे अन्नमदेव द्वारा बसाया गया एक शहर है। ओके, ये क्या है, डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित है। मैंने आपको बताया ये है शंखनी नदी और ये है डंकनी नदी, और इन्हीं के संगम पे कहाँ है दंतेवाड़ा जिला स्थित है। ओके, और यहाँ पे यहीं पास क्या है दंतेवाड़ा में, दंतेश्वरी माता का मंदिर है यहीं पे। ओके, उसके बाद आते हैं बैलाडीला। बैलाडीला, तो बैलाडीला मैंने आपको कहाँ पे बताया, यहाँ पे आपको बैलाडीला बताया। ओके, तो बैलाडीला, तो बैलाडीला जो है यहाँ प्रदेश का सर्वोत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। तो सर्वोत्तम किस्म का लोहा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, तो बैलाडीला में, ये यहाँ पर। ओके, बैलाडीला में, और जो यहाँ जो पाया जाता है, जो लोहे लोहा पाया जाता है उसका प्रकार है हेमेटाइट। ओके, हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो लोहा जो है वो चार प्रकार का रहता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट और सेडेराइट, ऐसा करके चार प्रकार का रहता है। तो हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है बैलाडीला में। इसकी ऊंची चोटी है नंदीराज। ओके, नंदीराज चोटी है इसकी ऊंची चोटी, जो कि जिसकी लंबाई क्या है 1210 मीटर। यह जो है नंदीराज चोटी छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी और दक्षिण का सबसे ऊंची चोटी है। ओके, दक्षिण साइड देखें, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका दक्षिण साइड में देखेंगे तो ये सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और छत्तीसगढ़ का दूसरी ऊंची चोटी है, क्योंकि जो पहला ऊंचा है वो गौरलाटा है। ओके, जो सामरी पाट ऊपर में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो है नंदीराज चोटी है छत्तीसगढ़ का सेकंड लॉन्गेस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है और दक्षिण का सबसे पहला ऊंची चोटी है। ओके, यहाँ से जापान को लोहा आपूर्ति की जाती है। ओके, तो जो हमारा बैलाडीला है यहाँ से जापान को, विशाखापट्टनम से होते हुए ये जापान को लोहा आपूर्ति करते हैं। यहाँ भारत और जापान के बीच 100 साल का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जो है भारत, जो भारत के छत्तीसगढ़ से जो बैलाडीला है वहाँ से लोहा आपूर्ति किया जाता है जापान को। ओके, और जो लौह भंडार है, तो यहाँ पर लौह भंडार है अपना किरंदुल और
और दूसरा है बचेली। ओके, और इन दोनों के बारे में मैंने बताया, ये एनएमडीसी के द्वारा बनाया गया है। मतलब यहाँ एनएमडीसी के द्वारा 3 खदानें हैं, जिसमें एक है किरंदुल, दूसरा है बचेली और तीसरा है बैलाडीला। और किरंदुल की स्थापना 1968 में, और बचेली की स्थापना 1980 में, और बैलाडीला की स्थापना 1988 में की गई है। ओके, फिर आते हैं टेकनार। तो जो टेकनार है, ये देख सकते हैं आप टेकनार यहाँ पे, तो ये टेकनार है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, दंतेवाड़ा जिला का इंडस्ट्रियल एरिया। तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? टेकनार। कभी कभी सीजी व्यापम या पीएससी ऐसा क्वेश्चन उठाता है कि दंतेवाड़ा जिला में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र है कह के, उसमें फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा टेकनार, तोकपार, बस्तानार ऐसे करके, केरला पाल ऐसे करके। तो फिर वहाँ पे आप इस बात को ध्यान दें कि टेकनार कहाँ है, तो दंतेवाड़ा जिला में है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कटे कल्याण। कटे कल्याण, तो कटे कल्याण जस्ट उसी के नीचे में ये वाला कटे कल्याण है। तो जो कटे कल्याण है, यहाँ क्या है? टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टीन। ओके, फिर है डंकनी नदी। तो डंकनी नदी, ये वाला जो है डंकनी नदी है, ये डंकनी नदी है। तो डंकनी नदी, तो डंकनी नदी का उद्गम क्या है? तो डांगरी डोंगरी क्षेत्र से, ये वाला जो क्षेत्र है वो डांगरी डोंगरी क्षेत्र है, तो यहीं से आपका डंकनी नदी का उद्गम होता है। फिर ये विसर्जित कहाँ होती है? तो इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में, ये यहाँ पे आपका विसर्जन हो जाता है। ओके, फिर आते हैं संखनी नदी। तो मैंने आपको संखनी नदी बताया कि इसके उद्गम कहाँ से होता है, तो नंदीराज चोटी से इसका उद्गम होता है। ओके, और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो डंकनी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है, वहीं पे मिलते हैं। फिर ये आगे जाके इंद्रावती नदी में मिल जाता है। और ख़ास बात इसमें ये है कि इस नदी का पानी लाल है। ओके, तो इस नदी का पानी लाल है। लाल इसलिए है क्योंकि जब लोहा वहाँ उत्पादित किया जाता है, तो लोहा को धोने से वहाँ का पानी लाल हो जाता है। तो इस नदी का पानी क्या है? लाल है, रक्ताप लाल है। ओके, फिर एनएमडीसी के तहत यहाँ, एनएमडीसी के तहत यहाँ 3 खाने हैं। ओके, मैंने आपको बताया किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। ओके, इस प्रकार जो किरंदुल है, उसका स्थापना कब हुआ? तो 1968 में इसकी स्थापना हुई है। और बचेली की स्थापना कब हुई है? तो 1980 में। और बैलाडीला की स्थापना कब हुई? तो 1988 में। इस प्रकार जो किरंदुल, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला तीनों ही एनएमडीसी के अंतर्गत 3 खाने हैं, जिसकी स्थापना 1968, 1980 और 1988 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बैलाडीला की स्थापना कब हुई ऐसा करके। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि एनएमडीसी के अंतर्गत 3 खाने हैं, जो कि किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका दंतेवाड़ा जो ज़िला है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो ऐसे क्षेत्र में मतलब दूर जाके कोचिंग नहीं कर सकते, उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको समय पे मिल जाए। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, या फिर मेरे को इस वीडियो में और कुछ संशोधित करना पड़े जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, तो इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।